स्वच्छ भारत अभियान जोर शोर से शुरू किया गया। अधिकांश जगह लोग जागरूक भी हुए और सफाई व्यवस्था दुरुस्त भी हुई, लेकिन रेवाड़ी में प्रशासन की अनदेखी के चलते ये स्वच्छ भारत अभियान का नारा बेमानी साबित हो रहा है। वो इसलिए कि गंदगी के ढेर के बीच लोग रहने को मजबूर हैं, यहाँ सीवरेज ओवरफ्लो है, शिकायत सुनने वाला कोई नहीं, लिहाजा लोग शासन प्रशासन को कोस रहे हैं। रेवाड़ी का मोहल्ला तेजपुरा जो शहर के बीचों बीच है, यहाँ नगर परिषद ने डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है, लेकिन जब देखो यहाँ कूड़े का ढेर लगा रहता है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। मोहल्ले में सीवरेज फ्लो की कई दिनों से समस्या है। रिहायशी क्षेत्र में कमर्शियल गतिविधियाँ की जा रही है, जिसने लोगों की नाक में दम किया हुआ है। स्थानीय लोग कहते हैं कि कई बार प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ से कूड़े से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं हम, ये मोहल्ले वाले कूड़े डालते हैं, इसकी वजह से हमारी दुकान शटर बिल्कुल नहीं खोल सकते, ना माल निकाल सकते, ना माल डाल सकते, बहुत परेशानी चल रही है। और मैं आपको अपना वार्ड 11 नंबर का दिखाता हूँ माहौल। ये देखिए आप कूड़े का ढेर, ये एक डंपिंग पॉइंट बन गया है। दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, चार चार दिन यहाँ कूड़ा पड़ा रहता है। हम किसी को मना करते हैं, स्वीपर को, तो वो ये कहते हैं कि दरोगा ने कह रखा है कूड़ा यहीं गिरो। अब ये हाल देखो, यहाँ खड़े होके बोलना ही मुश्किल है। और ये पूरा कमर्शियल बना हुआ है, आगे यहाँ टेम्पो खड़े होते हैं। ये मैं कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो हमारे देश की सरकार कहती है कि सफाई अभियान चला जाए, और सफाई अभियान को छोड़ के इन्होंने छोटे छोटे शहरों में जो मोहल्ले हैं उनमें इतना कूड़ा कर रखा है, तो देश का सफाया कैसे होगा। मेरा अनुरोध है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, उस कूड़े पे जो डालते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो सबसे पहले कूड़े का ही है, उसके बाद हमारी सीवर रुका पड़ा है, 15 दिन हो गए। 15 दिन से हम फोन करते हैं तो कहते हैं नाली रुकी हुई है, बाकी जबकि सीवर जाम है, बिल्कुल खुल ही नहीं रहा है। हम पानी में से निकल के घर जाते हैं, फिर पैर धो के फिर अंदर घुसते हैं, वहाँ इतना मच्छर है, बच्चे हमारे बीमार हुए पड़े हैं इसी बात से, मच्छरों की वजह से। क्या करें, हम तो परेशान हैं इस बात से। और अब ये हालात है कि 16 बच्चे डायरिया से बीमार हमारे मोहल्ले के अंदर, और मौत और जीवन से जूझ रहे हैं, और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, और इतना बुरा हाल है पूछो मन्ना। मतलब यहाँ तो पूरा वो बन चुका है, तेजपुरा मोहल्ला नहीं है, तेजपुरा गंद खाना। अब ये मोहल्ला ऐसा हो रहा है जैसे कमर्शियल हो रहा है, रहने वाला मोहल्ला है ही नहीं। इतना कूड़ा, इतना सब लोगों ने आगे अपने मकानों के आगे थड़े बना रखे हैं, कोई नाली नहीं है, कोई पानी निकलने की निकासी नहीं है, जो देखो सारा यहीं पे कूड़ा कूड़ा। कमर्शियल के बारे में क्या कह रहे हैं? अब ये तो है तो रेजिडेंशियल, पर कमर्शियल बना रखा है लोगों ने, जिसका कोई वो जिसका कोई लाइसेंस ही नहीं है। इस मोहल्ले में कमर्शियल वाले ही नहीं है, रेजिडेंशियल।